नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उड़ान स्टडी में। उड़ान स्टडी लेके आ गए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति, नई जोश और नई उमंग के साथ। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे रीजनिंग में सिलोज्म, सिलोज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, और ये हमारा पार्ट वन है, ठीक है। न्याय निगमन आने की कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन। दोस्तों सिलोज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्जाम में आने की संभावना बार बार होती है, और जिस किसी भी एग्जाम में अगर सिलोज्म का टॉपिक अगर दिया है, ठीक है, अगर सिलेबस में सिलोज्म है तो आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस दिया है। आप पिछले के वीडियो, आप पिछले वाले आरआरबी का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, लोको पायलट एएलपी और एएलपी फर्स्ट, मतलब सीबीटी और सीबीटी टू, दोनों में क्या था आपका, दोनों में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सिलोज्म दिया था ना, और आपको ग्रुप डी में भी 3 से 4 क्वेश्चन सिलोज्म दिया था। इसलिए सिलोज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर हम सिलोज्म तैयार है तो हम रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करेंगे, हमको सिलोज्म पढ़ना जरूरी है, ठीक। चलिए तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करेंगे सिलोज्म बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट होता है और कंक्लूजन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, यानी कि कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट आपको हो गया और कंक्लूजन हो गया। स्टेटमेंट और कंक्लूजन होगा, इसमें क्या दिया था दोस्तों, कथन। स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, कथन बोलते हैं, और कंक्लूजन को क्या बोलते हैं हम, निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। कथन को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष कथन को निष्कर्ष बोलते हैं। चलिए दोस्तों क्या होगा आपका, कि इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या होता है, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी हम सिलोज्म लगाते हैं तो क्या करते हैं, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया, आपका स्टेटमेंट दे दिया स्टेटमेंट में कि सभी आम काला है, ठीक है, या तो आपको दे दिया कि आम काला होता है, ठीक है, आम काला होता है, आपको दे दिया आपका स्टेटमेंट में कि आम काला होता है, ठीक है, आम काला होता है, तो आप इसको नहीं कहिएगा कि आम पीला होता है या आम हरा होता है, बिल्कुल नहीं, क्या होगा आपका, आम काला ही होगा। अब आप मान लीजिए कि आम काला ही होता है, स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, हमेशा कथन को 100% सत्य मान के, 100% ट्रू मान को क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए हम मान लेंगे कि आम क्या होता है, काला होता है, ठीक। चलिए आप सोचने लगे कि आम काला नहीं होता, आम पीला होता है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्टेटमेंट को बिल्कुल 100% ट्रू मान के चलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जो लोग इस चैनल पर नए, उड़ान स्टडी पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, और एक लाइक करिए। और चलिए शुरू करेंगे आज का क्या, आज का सिलोज्म, ठीक है, सिलोज्म कथन। मान लीजिए आपको कथन में दिया है दोस्तों, चलिए कथन में अगर दिया है कि सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए बी है, सभी ए बी ए, आप कहोगे क्या, आल आ आल ए आर बी, ठीक है, सभी ए बी ए आपका क्या हो गया, आल ए आर बी हो गया ना। चलिए अगर इसमें दे दिया कि सभी बी सी ए, सभी बी सी ए, बताइए सभी ए बी ए, तो सभी बी सी ए दे दिया तो क्या हो गया, आल बी आर सी, आपका तो ये क्या हो गया, आपका ये स्टेटमेंट हो गया, आपका ये स्टेटमेंट हो गया। लेकिन आपका कंक्लूजन कैसे देगा, सबसे पहले आप देखिए कि उत्तर देने का तरीका आपको क्या दिया जाता है, उत्तर देने का आपको तरीका क्या दिया होता है, जैसे कि आपको आंसर पैटर्न, ठीक है, जिसको बोलते हैं आंसर पैटर्न, आप उत्तर पैटर्न भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि केवल एक कंक्लूजन सही है, ठीक है, केवल एक निष्कर्ष सही है, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, केवल एक सही है, ठीक है, केवल दो कंक्लूजन सही है, केवल दो सही है, या फिर या तो एक सही है या तो दो सही है, ठीक है, या तो एक सही है या तो दो सही है, या तो एक सही है फिर
ये आपका कौन सही है? दो सही है, ठीक है, दोनों गलत है। आपका एक भी ये भी दे देगा आपका कि दोनों गलत है, और आपको दे देगा कि दोनों सही है, ठीक है। क्या होगा आपका? ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है, ओनली टू कंक्लूजन आर फॉलो, मान लो ओनली सेकेंड का आपका हमारा दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका? नेदर वन या आइदर, आइदर आपका नेदर आइदर का अब केस होता है दोस्तों, तो क्या होता है उसमें? आइदर वन आर टू कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, यानी कि एक कंक्लूजन या सेकेंड कंक्लूजन को क्या होता है? फॉलो करता है कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष को, ये आपका निष्कर्ष। इसमें क्या लिख देगा कि क्या होगा कि बोथ बोथ रॉन्ग, ठीक है, यानी कि दोनों गलत है और बोथ ट्रू, ठीक है, यानी कि ये दोनों सही है। आप समझ गए बिल्कुल? चलिए, केवल एक कंक्लूजन सही है, केवल दो कंक्लूजन सही है, या तो एक या तो दो या फिर दोनों गलत है। मान लो जिसका आपको एक दो तीन चार ये पाँच, इसी पैटर्न में आपको आंसर देना होता है, ठीक है, इसी पैटर्न में आपको आंसर देना होता है। तो आप जान गए हैं कि स्टेटमेंट को हमेशा क्या मानेंगे? स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कह दिया कि आम काला होता है, आप बिल्कुल क्या करेंगे? आप काला ही मान के लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछ दे कह देगा कि आलू आलू पीला होता है, मान लो सेब क्या होता है? सेब आपका सेब क्या होता है? आपका नीला होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये सेब लाल होता है, ये सेब पीला होता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। क्या होता है इसमें? हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं, 100% ट्रू मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट को ट्रू मान के 100% ट्रू मान क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें दे दिया स्टेटमेंट कि सभी ए बी है, ठीक है, और सभी बी क्या दिया? सभी बी सी दे दिया है, ठीक है। अगर इसमें दे दिया क्या आपका निष्कर्ष दे दिया कि इसका आपका निष्कर्ष दे दिया कि सभी ए सी है, ठीक है, सभी ए सी है और सभी ए बी है। अगर आपका इस तरह निष्कर्ष दे दिया तो आपका क्या होगा बताइए? चलिए, सभी ए सी है, मान लीजिए आप यहाँ निष्कर्ष लिख दिए आपका, ठीक है, निष्कर्ष में एक ने दिया कि सभी ए सी है, दूसरा आपका निष्कर्ष दे दिया सभी सभी बी सभी ए बी है। चलिए, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप जान गए सबसे पहले कि स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के लगाएंगे, बिल्कुल ट्रू मान के लगाएंगे, स्टेटमेंट को हम सही मान के लगाएंगे। अगर इसमें जो दिया स्टेटमेंट में यही हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, इसी को हम मान के क्या करेंगे? आंसर देंगे। आपने आंसर का पैटर्न भी जान गया कि आंसर किस तरह से आपका आंसर आता है, ठीक है। या तो केवल एक सही है, या फिर दो केवल कंक्लूजन दो नंबर सही है, या फिर एक या सही या एक या दो सही है, कोई भी एक या दो सही है, या तो दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, ठीक है, या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या केवल आप इसको भी कर सकते हैं केवल एक सही या केवल दो सही है, ठीक है। आप समझ में आ गए आपको, ठीक है। तो आप क्या होगा आपका निष्कर्ष दे दिया है कि सभी ए सी है, ठीक है, इसमें क्या दिया है? सभी ए बी है। हम इसको क्या करेंगे? वेन डायग्राम के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है, वेन डायग्राम के माध्यम से लगाएंगे। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा बताइए? इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा कि सभी ए बी है, मान लीजिए कि ए है और सभी ए क्या है? बी है, ठीक है, सभी और सभी बी क्या है दोस्तों? सी है, सभी बी सी है। हमारा एक डायग्राम तो ये हो गया जो सिंपल डायग्राम है, इसको इसी के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो गया? सभी ए बी है। अब हम एक चीज़ और जानेंगे, इसमें क्या है? अगर ए दिया है तो इसमें क्या होता है? समझ लीजिए कि जो आपका आगे दिया होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा आगे होता है, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका दिया है ए, जो आल दिया होता है ये हमेशा क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? आगे होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका फर्स्ट में होता है। जैसे अगर इससे पूछ दिया होता कि सभी बी सी है, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे बी सब्जेक्ट हो गया होता, और सब्जेक्ट हमेशा हमेशा आगे होता है। हाँ, कुछ केस में क्या होता है कि सब्जेक्ट पीछे होता है, जैसे अगर ओनली के केस में आएगा, अगर ओनली केस में आएगा तो उसमें सब्जेक्ट आपका पीछे रहेगा, लेकिन चलिए आगे पढ़ेंगे उसको। अभी हम जो देख रहे हैं, आप इसे यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? हमेशा आगे होगा, और प्रेडिकेट हमेशा पीछे होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या दिया है दोस्तों? इसमें दिया आपका
कि सभी ए बी ए, बताइए कैसे सही होगा, आप बताइए इसको सॉल्व करिए क्या होगा, इसमें कैसे सही होगा। चलिए देखिए यहाँ से क्या है दोस्तों, अगर सभी ए पूछा है, और एक चीज़ और जानिए कि अंदर से बाहर जाने पर क्या होता है और बाहर से अंदर आने पर जा क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल इसको भी आप जान लीजिए कि अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा और बाहर से अंदर आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। यदि आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा आपका, आल आल एंड सम दोनों कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, ठीक है। आल और सम दोनों जैसे मतलब दिया है कि सभी सभी आल और दो, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे कि सभी भी क्या है, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सी है, तो क्या होगा अंदर की अंदर से हम बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, इसमें आल और सम दोनों कंडीशन क्या होते हैं, हमेशा ट्रू होते हैं। लेकिन अगर वही बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अगर इधर से आते हैं कि सभी सी बी सभी सी ए है, तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, आल का कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाता है और सम का कॉन्सेप्ट सही है, कुछ सी ए है, ए बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है, ए कुल कुछ भी आपका सही होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अंदर की तरफ से अब बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है तब क्या होगा, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो आपका पहला क्या होगा दोस्तों, पहला सही है, पहला आपका क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा, और सभी भी सी है, सभी भी सी है, ठीक है, और सभी भी सी ए नहीं दिया, इसमें क्या दिया, सभी ए बी दी, सभी ए बी दिया है और सभी ए सी दिया है, यानी कि ये सभी ए है जो क्या है दोस्तों, सी है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, और अंदर के बाहर की तरफ जाने के केस में क्या होता है, हमेशा सभी आल और सम, मान लीजिए सभी और कुछ का कंडीशन क्या होता है, जैसे पूछ देगा कुछ ए बी है, वो दोनों क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है, दोनों हमेशा सही होता है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को देखिए कि अगर ए से सी की तरफ पूछा है, ए के ए से अगर सी की तरफ पूछा है तो क्या होगा हमारा, ये बिल्कुल ये सही हो जाएगा, पहला कंडीशन सही हो जाएगा कि सभी ए सी है, जी बिल्कुल सभी ए सी है, समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। आप बिल्कुल अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको तरीका और कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है, ठीक है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, जैसे आप बोलते हैं ना ट्रिक, जिसको बोलते हैं, आपको बेसिक इतना अच्छा से बता दिया जाएगा कि आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो क्या होगा आपका, अगर आप ये है सभी ए बी हो गया ना, अरे यार सभी ए सी है और सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो सभी ए बी यानी कि ए बी अंदर की तरफ बाहर जा रहा था, दोनों सही होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं होगा। अब आप सोचिए क्यों नहीं सही होगा, यही तो है, यही तो है कि अब आप एक रूल पढ़ते हैं, सिर्फ एक रूल पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, धनाधन मार के इसको चले जाते हैं, बाद में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस हमको वही चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक है, वही चीज़ हमको देखने की ज़रूरत है कि बस कहाँ से हम गलत करके आ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो सब लगा लेते हैं क्वेश्चन, तो सब सिलेबस में सब पढ़ लेते हैं, सभी मारेंगे कि अंदर से सब लोग पढ़े होंगे कि अंदर से बाहर के जाने का क्या होगा, आल और सम कंडीशन दोनों क्या होता है, ट्रू होता है, दोनों मार्क चले जाए, लेकिन जब वही क्वेश्चन गलत हो गया तब क्या होगा बताइए, उस समय जब आप आएंगे तो पता चलेगा कि आप सही क्वेश्चन किए हैं लेकिन आपका क्वेश्चन गलत है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस कंडीशन में क्या होगा कि एक चीज और आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो स्टेटमेंट में दिया होता है, ठीक है, सेम अगर वही कंक्लूजन दे दिया होता है वो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। अगर जो आपका स्टेटमेंट में दिया होता है, ठीक है, अगर वही कंक्लूजन में दे दिया होता है तो क्या होता है दोस्तों, वो गलत होता है। प्रश्न में देने वाला लिखा है, प्रश्न में देने वाला कथन अगर वही आंसर कंक्लूजन में आ जाता है दोस्तों तो क्या होता है हमारा, गलत हो जाता है। जैसे क्या दिया है, सभी ए बी है, और इसमें दिया है सभी ए बी है। अब समझ में आ गया आपको ये गलत कैसे होगा, समझ में आ गया ना कि ये गलत कैसे होगा। अगर आपका प्रश्न में दिया है, ठीक है, जो आपको प्रश्न में कथन दिया है वही सेम आपका कंक्लूजन में दे दिया होता, कंक्लूजन में दे देता है तो हमेशा गलत होगा। आप इस चीज़ को देखिए, भले वो कंडीशन फॉलो करे या कंडीशन ना फॉलो करे, ये भी आप समझिए कि एक तरह से ये रूल है कि इसको हमेशा आप याद रखिए कि अगर हमारा स्टेटमेंट में अगर कोई कथन में हमारा अगर कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और वही सेम उतर के क्या आ गया, हमारा कंक्लूजन में आ गया, हमारा निष्कर्ष में आ गया, तो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत। वो कंडीशन फॉलो करे तब भी, ना करे तब भी, लेकिन यहाँ कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है, क्या फॉलो करेगी, सभी है बी है, जी बिल्कुल हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमारा कथन
कथन जो दिया है कि सभी ए बी है वही हमारा कंक्लूजन दे दिया, सेम सेम दे दिया, तो क्या होगा हमारे दोस्तों, ये गलत होगा। इसलिए आप समझिए, ठीक है, आप समझिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीका दोस्तों, छोटी छोटी वीडियो मिलेगी आपको और आपको समझने का तरीका बिल्कुल बेस्ट होगा, ठीक है। आप समझिए क्या होगा इसमें, क्या होगा, सभी ए सी है, हाँ बिल्कुल सही है यार, सही है, सभी ये क्या है, सभी ए सी है, सही है, और सभी भी, सभी ए, सभी ए बी है, ये क्या है आपका, गलत है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ओनली केवल एक सही है, केवल एक सही है, क्या होगा, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है, केवल एक सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल एक ही सही होगा ना, हाँ एक गलत है, इसमें एक सही होगा, ठीक। चलिए अब आप समझ गए कि आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है, आप अगर अंदर की तरफ से, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो क्या होगा दोस्तों आपका, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो, बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा आपका, आल एंड सम दोनों कंडीशन सही होगा, दोनों फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेगा ना, जी बिल्कुल। चलिए तो आप समझ गए, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाएगा तो हमारा आल का कंसेप्ट और क्या होगा, सम का कंसेप्ट दोनों सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कह दिया आपको कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तब क्या होगा, हमारा आल का कंसेप्ट गलत हो जाएगा और हमारा सम का कंक्लूजन, सम का कंसेप्ट क्या होगा दोस्तों, फॉलो करेगा, ठीक है, सम का कंक्लूजन क्या होगा हमारा, फॉलो करेगा। तो आप समझ गए कि स्टेटमेंट कैसा दिया होता है, ठीक है, स्टेटमेंट कैसा दिया होता है आपका और पैटर्न कैसा दिया होता है, ठीक है, आप समझ गए। चलिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, स्टेटमेंट में आपका दे दिया है, चलिए आपका तो ये उत्तर पैटर्न है, आप तो यही रहेगा आपका, और आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा आंसर पैटर्न, आप वहाँ से भी देख लीजिए अगर जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि एक आपको क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट, ठीक है, कथन हो गया, चलिए आप देखिए कि सभी आलू आपको क्या है दोस्तों, सब्जी है, ठीक है। अगर आपको दे दिया कि सभी आलू आपका सब्जी है और इसमें दे दिया क्या कि सभी सभी सब्जी प्याज है, बताइए क्या होगा, कि क्या होगा इसमें, क्या दिया आपका, सभी आलू सब्जी है और सभी प्याज आपका क्या है, सभी सब्जी प्याज है, ठीक है, सभी सब्जी आपका क्या है, सभी सब्जी प्याज है, तो आप क्या इसे कैसे लगाएंगे, मान लीजिए आपको बहुत आसान है लेकिन कैसे लगाएंगे आप बताइए, तरीका समझिए, आसान और मतलब उससे कोई मतलब नहीं, बस आप तरीका समझिए, अगर इसमें दिया है आप हम वेन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम बना लेंगे, क्या है कि आलू है, आलू क्या है हमारा, सभी आलू क्या है, सब्जी है, ठीक है, सभी आलू क्या हो गया हमारा, सब्जी हो गया, और सभी सब्जी प्याज है, यानी कि सभी सब्जी प्याज है, वेन डायग्राम बन गया, ठीक है, सभी सब्जी क्या है हमारा, प्याज है, ठीक है। अगर इसमें अगर कह दिया कि कुछ कुछ आलू सब्जी है सभी, ठीक है, आपको क्या होगा, कुछ आलू सब्जी है, मान आपको कंक्लूजन में एक नंबर दे दिया, आपको सेकंड कंक्लूजन में दे दिया कि सभी प्याज आलू है, बताइए क्या होगा,
बिल्कुल बताइए, अगर सभी आलू आपका दिया है कि सभी आलू सब्जी है, ये तो सही है कि सभी आलू आपका क्या है सब्जी है, ये तो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपका क्या होगा, ये सही होगा, बताइए सही होगा, ये गलत होगा, गलत होगा क्यों, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट में आपका दिया है कि सभी आलू सब्जी है, आपका वही क्या दिया है, आपका निष्कर्ष में भी वही दे दिया है, निष्कर्ष में भी क्या दिया है दोस्तों, आपका वही दे दिया। आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ से कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, आप इसके बिल्कुल इसको बिल्कुल समझिए कि आप क्या होगा, सभी जो कुछ आलू सब्जी दिया है इसमें क्या होगा दोस्तों, कुछ आलू, हाँ सॉरी, इसमें कुछ आलू दिया है, कुछ आलू दिया है इसमें, कुछ आलू सब्जी है, ठीक है, सभी नहीं दिया है, कुछ आलू सब्जी दी सब्जी है, तो आलू सब्जी है, आलू अंदर से बाहर तरफ जा रहा था, बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है, अगर यहाँ सभी होता तो ये बिल्कुल गलत होता हमारा, वो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट, हमारा कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि कुछ आलू सब्जी है, सभी प्याज आलू है, सभी प्याज आलू है, अंदर के बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ आने वाला में क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है बाहर से अंदर की तरफ आने वाला में, उसमें क्या होता है कि आल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होता है, और क्या होता है हमारा सम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होता है, ठीक है, बाहर से अंदर के आने में क्या होगा हमारा आल कंडीशन क्या होता है दोस्तों, हमारा फॉलो नहीं करेगा, और इसमें क्या दिया, आल का कंडीशन दिया है कि आल वेजिटेबल्स आर पोटैटो, ठीक है, आल वेजिटेबल्स आर पोटैटो, सम पोटैटो आर वेजिटेबल्स, समझ में आ गया आपको, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा आपका, तो आपका दूसरा क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है, ठीक है, चलिए आप समझ में आ गया, आपको तरीका समझ में आ गया ना कि क्या होता है, पहली बात हम समझ गए कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को हमेशा 100% ट्रू मान के लगाएंगे, इतना तो आप जान ही गए हैं, ठीक है, कि स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान के लगाएंगे, और एक क्या है कि जो स्टेटमेंट में दिया होता, ठीक है, जो प्रश्न के कथन में दिया होता, अगर वही निष्कर्ष में अगर वही सेम क्वेश्चन आपका अगर क्या होता है वही फॉलो कर रहा है, मतलब वही सेम अगर दिया है जो आपका क्वेश्चन में दिया है, वही अगर आप निष्कर्ष में दिया है तो क्या होगा, वो हमेशा गलत होगा, चाहे कंडीशन ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कंडीशन अगर फॉलो भी करेगा तो भी वो क्या होगा, हमेशा गलत होगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हम क्या देखे हैं कि हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बाहर से अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो आल का कंडीशन क्या होता है हमारा फॉलो नहीं करता है, उसमें सिर्फ सम का कंडीशन आने की कुछ प्याज कुछ मतलब कुछ जो है था उसका कंडीशन, उस कंडीशन को क्या करता है फॉलो करता है, ठीक है, आल कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। और इसके बाद जब हम जाते हैं कि इसमें अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या होता है उसमें आल एंड सम दोनों क्या होता है, सम दोनों कंडीशन क्या होता है फॉलो करता है, आल को भी करता है और कुछ सम को भी, मतलब सभी कंडीशन फॉलो करता है और कुछ को भी, ठीक है, कुछ को भी क्या करता है अंदर से बाहर जाने के बाद। आपका आंसर पैटर्न हो गया, आप समझ गए आंसर पैटर्न क्या हो गया, ठीक है, ये सिलोजी का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा है, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, और बिल्कुल तरीका बेहतरीन होगा, ठीक है, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।